लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। यू नो, मैं बहुत सोचता था कि YouTube वीडियोस को घर पर प्रोफेशनली शूट करने के लिए आपको बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए, बैकड्रॉप चाहिए, बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ इन तीन बेसिक स्टेप्स को ध्यान में रखते हो आप अपने ही घर में अपने YouTube वीडियोस को या कोई भी वीडियोस को शूट कर सकते हो एकदम प्रोफेशनली, वो भी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लाइट को यूज करते हुए। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मेरे पास आपके लिए एक बोनस टिप भी है। तो चलो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, मैंने बहुत ही अलग अलग लोकेशन पे बहुत ही अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ वीडियोस को शूट किया है, फिर चाहे वो मेरे पुराने वाले घर में हो, फिर चाहे वो किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में हो, फिर चाहे वो स्टोरी टाइम के ब्लॉग्स हो, फिर चाहे वो नॉर्मल ब्लॉगिंग ही क्यों ना हो। अब इन बेसिक चीजों में जो सबसे पहली चीज आती है, दैट इज लोकेशन। तो ब्रो, जब भी तुम अपने घर पे लोकेशन फाइंड करो, एक चीज का जरूर ध्यान रखना, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने बताया कि इस पर्टिकुलर सेटअप में मेरे पास मेरी रिंग लाइट नहीं है, तो मैं बिना रिंग लाइट के ही वीडियोस को शूट करने वाला हूँ। तो मुझे लाइटिंग का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लाइटिंग वीडियो में आ रही है, मेरे वीडियोस प्रॉपरली लिट हो सके। मैं प्रिफर करता हूँ कि तुम ऐसी कोई लोकेशन अपने घर में ढूंढो ना जहाँ पर सामने ही विंडो हो और तुम विंडो के ठीक सामने बैठ के इस तरीके से वीडियो को शूट कर सको। इससे जो एक्सपोजर तुम्हारे वीडियो में आएगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। अब यहाँ मैंने सिंस पर्दा लगा के रखा है ताकि जो लाइटिंग है थोड़ी सी नॉर्मल हो, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये ओवर एक्सपोज हो जाएगा, और अगर मैं इसके अपोजिट में बैठता हूँ तो वीडियो कहीं ना कहीं अंडर एक्सपोज हो जाएगी। तो बेसिकली इस वीडियो के लिए मैं अपने रूम को एक काइंड ऑफ स्टूडियो में कन्वर्ट करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर रूम में मैंने इतना ज्यादा शूट नहीं किया है, मैं बेसिकली उस वाले रूम में चला जाता था शूट करने के लिए अपनी संडे स्टोरीज वाली। बट उसमें दिक्कत ये एक छोटी सी मेरे को लगती है कि जो मेरा पूरा फ्रेम है ना वो इतना आ जाता है, लाइक मेरा सिर्फ फेस दिखता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वाइड एंगल मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया एक सामने विंडो है जो कि मेरे वीडियो को प्रॉपरली लाइट प्रोवाइड कर सकेगी, और उसी के साथ साथ जो फ्रेम है वीडियो का उसको भी हम सेट करेंगे। तो यार, अब चलते हैं कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स जो कि तुमको लगेंगे ही अगर तुम अपने घर पे वीडियोस प्रोफेशनली शूट करना चाहते हो। तो यार, वीडियो शूट करने के लिए जो सबसे पहली चीज तुम्हें लगेगी ना, दैट इज अ कैमरा। अब दैट कैमरा कैन बी अ सेमी प्रोफेशनल कैमरा, जैसे कि मेरा सोनी अल्फा 6400, या फिर वो कोई फोन कैमरा भी हो सकता है जैसे कि पोको X2। जैसे तुमको तुम्हारा कैमरा मिल जाए, उसके बाद जो सेकंड चीज मेरे ख्याल से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर पे वीडियोस या कहीं पे भी वीडियो शूट करने के लिए, दैट इज अ ट्राइपॉड। ये मेरा अमेज़न बेसिक्स का 52 इंचेस वाला ट्राइपॉड है आई गेस। तो तुम कोई सी भी बेसिक ट्राइपॉड में इन्वेस्ट कर सकते हो सो दैट एक अच्छी हाइट तुमको मिल जाए। अगर तुम प्रोफेशनली वीडियोस को शूट करना चाहते हो गर्मी, तो लाइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिंस जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास की लाइट यानी अपनी रिंग लाइट तो है नहीं, तो हम लोग अपने विंडो को यानी नेचुरल लाइट को ऐसा की लाइट यूज करने वाले। बट मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो डल सा ना रहे, जिसके लिए मैं ये लाइट यूज करने वाला हूँ, LED लाइट, 50 LED लाइट है इसमें, जिससे जो मेरा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा लिट हो जाएगा। अब जो सेटअप है वो कुछ ऐसा होता है, बैकग्राउंड लाइट सेट करो, ट्राइपॉड लगाओ, चेयर पे बैठो और चालू हो जाओ। तो गाइस, हमारा सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, कैमरा अपनी जगह पे है, माइक अपनी जगह पे है, ट्राइपॉड है, पीछे बैक लाइटिंग भी है। तो गाइस, पहला पार्ट हो गया आपका लोकेशन ढूंढना, सेकंड पार्ट आपका हो गया आपको इक्विपमेंट्स कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स चाहिए, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज फ्रेमिंग। लेट्स सपोज अगर मेरी वीडियो का फ्रेम कुछ ऐसा रहे, इतना ज़्यादा जूम्ड इन या बहुत ज़्यादा वाइड एंगल रहे, तो वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं दिखेगा। इसलिए आपको अपने फिल्म के अकॉर्डिंग चाहिए। अब मेरे केस में 24mm पे है और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो गाइस, अब बारी है उस बोनस टिप की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यार, बोनस टिप पता है क्या है? बोनस टिप ये है कि ये स्टूडियो वीडियो ये सब तब चलेगा जब आपके वीडियो की जो ऑडियो क्वालिटी है वो ज्यादा रहेगी। तो आपके वीडियो की जो वीडियो क्वालिटी है वो एक बार के लिए कम रहना तो भी चलेगा, बट अगर आपके वीडियो की ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार है, जस्ट लाइक इसीलिए अपनी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी पे ज्यादा इंप्रूव करो, ऑडियो इक्विपमेंट्स पे एक अच्छे माइक पे इन्वेस्ट करो, सो दैट जो आपका वीडियो है वो लोग एटलीस्ट अच्छे से सुन सके। लेट सपोज अगर आपने एक बहुत ही अच्छा YouTube सेटअप बना दिया, अगर आपके पास की लाइट या कोई एक्सटर्नल लाइट हो तो आपका वीडियो और ही ज्यादा प्रोफेशनल और ही ज्यादा बेटर लग सकता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मेरी रिंग लाइट नहीं है फिलहाल, अदरवाइज इसको रात में अगर देखते शूट करते, बट रात में दिक्कत ये रहेगी कि नेचुरल लाइट नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो दैट इज द रीजन कि अगर आपके पास एक एक्सटर्नल लाइट हो, जैसे कि कोई सॉफ्ट लाइट हो या फिर कोई रिंग लाइट हो, तो आपकी वीडियोस और ही ज्यादा प्रोफेशनल बन सकते हैं। बट अगर आपको कैमरा पे ढंग से बात करने ही नहीं आता, तो आप जितना अच्छा स्टूडियो बना लो
लोग आपको क्यों देखें। वेल इसके लिए भी मैंने एक वीडियो पहले से ही बना के रखा है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, हाउ बेसिकली यू कैन टॉक कॉन्फिडेंटली विथ योर कैमरा। तो अब उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना सो दैट आप एकदम ही प्रोफेशनल बन जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आउट्रो।